हेलो क्लास फाइव, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर सेवन, ग्रासलैंड्स एंड मेडिटेरेनियन रीजन्स। द फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट आर ग्रासलैंड्स। ग्रास मतलब क्या होता है? घास। सो ग्रासलैंड मतलब क्या है? एक लार्ज एरिया लेके जहाँ पे सिर्फ ग्रास ही देखने को मिलता है, बीच में एक दो स्कैटर्ड ट्रीज देखने को मिलते हैं, ऐसे लैंड्स को हम लोग ग्रासलैंड्स बोलते हैं। सो क्या बोल रहे हैं, देखो, ग्रासलैंड्स आर लार्ज एरियाज ऑफ ग्रास विथ स्कैटर्ड ट्रीज। दे कैन बी डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स और सवानास एंड टेम्परेट ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड की लोकेशन मतलब वर्ल्ड में ग्रासलैंड्स की लोकेशन वाइज इसको हम लोग दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज़ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जिसको हम लोग कॉमनली सवानास बोलते हैं, एंड सेकेंड वन इज़ द टेम्परेट ग्रासलैंड। दे आर ऑफन गिवन लोकल नेम्स। ये ग्रासलैंड्स के कुछ लोकल नेम्स होते हैं, जैसे साउथ अफ्रीका में ग्रासलैंड्स को बोलते हैं बेल्स, अर्जेंटीना में बोलते हैं पंपास, ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं डाउन्स, यूरेशिया में बोलते हैं स्टेप्स, एंड नॉर्थ अमेरिका में बोलते हैं प्रेरीज। सो लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस अबाउट द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। लोकेशन, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स ऑल्सो नोन एज सवानास आर फाउंड बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। दे कवर लार्ज पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका एंड एशिया। तो लोकेशन क्या बोल रहा है कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स और सवानास मेनली इक्वेटर से 20 डिग्री नॉर्थ से लेकर इक्वेटर के 20 डिग्री साउथ तक ही देखने को मिलते हैं। और ये जो जगह है मतलब 20 डिग्री नॉर्थ से लेके 20 डिग्री साउथ, ये जो पूरा जगह है, इस जगह में कौन सा कंट्री आता है? देखो, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका एंड एशिया, मतलब ये चारों कॉन्टिनेंट में ग्रासलैंड्स देखने को मिलता है, बेसिकली ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स देखने को मिलता है। क्लाइमेट, दिस ग्रासलैंड्स एक्सपीरियंस अ हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। दे हैव अ ड्राई सीजन एंड अ रेनी सीजन एज वेल। The rainfall ranges from 50 to 125 centimeter per year. During October, violent thunderstorms are followed by a dry season, while in March, these storms signal or indicates the beginning of the rainy season. तो क्लाइमेट क्या बोल रहा है कि ग्रासलैंड्स के क्लाइमेट मेनली बहुत हाई होता है, मतलब हाई टेम्परेचर यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर एक्सपीरियंस होता है। यहाँ पे जैसे ड्राई सीजन है वैसे ही रेनी सीजन भी है। पर ईयर एवरेज 50 to 125 सेंटीमीटर रेनफॉल यहाँ पे होते हैं, एंड आफ्टर अ ड्राई सीजन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर यहाँ पे वायलेंट थंडर स्टॉर्म्स देखने को मिलते हैं। यही थंडर स्टॉर्म्स इंडिकेट करता है द बिगिनिंग ऑफ द रेनी सीजन। नेक्स्ट, नेचुरल वेजिटेशन। सवाना इज अ ग्रासलैंड विद स्कैटर्ड इंडिविजुअल ट्रीज। ग्रासेस इन द सवानास आर पेरेनियल, दैट इज दे ग्रो थ्रू आउट द ईयर। फर्स्ट क्या बोल रहा है कि सवाना एक ऐसा ग्रासलैंड है जहाँ पे सिर्फ ग्रास ही देखने को मिलते हैं, लेकिन बीच बीच में एक दो ट्रीज स्कैटर्ड ट्रीज देखने को भी मिलते हैं। और यहाँ के जो ग्रास है वो पेरेनियल है, मतलब थ्रू आउट द ईयर दे ग्रो। इन सम रीजन्स हार्डी ग्रासेस ग्रो अप टू अ हाइट ऑफ 4 meters। द ग्रासेस होल्ड द सॉइल टुगेदर विद देयर रूट्स। अ फ्यू ट्रीज एंड श्रब्स आर ऑल्सो फाउंड अक्रॉस द रीजन। तो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे कुछ ग्रासेस है जो बहुत हार्ड होता है एंड इसका हाइट 4 meters तक पहुँचता है। दिस ग्रासेस होल्ड द सॉइल टुगेदर विद देयर रूट्स। ये सारे ग्रास क्या करते हैं, ये सारे जो घास होते हैं, ये सारे घास अपने रूट्स को, रूट्स के साथ सॉइल को टाइट करके पकड़ के रखते हैं। अ फ्यू ट्रीज एंड श्रब्स आर ऑल्सो फाउंड हियर, जैसे एकेशिया एंड बाओबाब, दिस आर वेरी कॉमन ट्रीज इन दिस रीजन। इसके अलावा लेमन ग्रास, that is very common in western Uganda. ये सारे ग्रासलैंड का एक बहुत बड़ा threat है seasonal fire. Seasonal fire have a great impact on the vegetation of this region. Fires break out around January during the dry season. The grasses and shrubs survive these fires. तो ये जो seasonal fire होता है mainly in the month of January ये seasonal fires होता है, and यहाँ के जो grasses and shrubs रहते हैं they survive this seasonal fire. Next, we will discuss about the wildlife. Animals like antelopes, zebras, gazelles, elephants, giraffes are and wild beasts survive on the grass. Predators like the lion, leopard and cheetah prey on these animals. Grasshoppers, stick insects, beetles, mice and lizards are also found in these grasslands. But you have to remember what kind of animals are found here only, बस ये नाम ही तुम लोगों को पढ़ना है।
ह्यूमन एक्टिविटीज़, द सावानास आर वन ऑफ द रिचेस्ट ग्रेजिंग एरियाज ऑफ द वर्ल्ड. एग्रीकल्चर इज़ प्रैक्टिस्ड एक्सटेंसिवली. लाइफ स्टॉक इज ऑल्सो मेंटेन्ड बाई द पीपल ऑफ दिस रीजन. ओवर ग्रेजिंग एंड फर्टिलाइजर्स आर सीरियस थ्रेट्स टू दिस ग्रास लैंड. ह्यूमन एक्टिविटी की अगर बात करेंगे तो ग्रास लैंड में दो ऑक्यूपेशन मेन है. वन इज़ एग्रीकल्चर एंड सेकेंड इज़ लाइफ स्टॉक और द एनिमल रेयरिंग. बिकॉज सावानास आर द रिचेस्ट ग्रेजिंग सेंटर ऑफ द वर्ल्ड. लेकिन ये सारे ह्यूमन एक्टिविटी के बाद भी यहाँ का सबसे बड़ा थ्रेट है ओवर ग्रेजिंग एंड फर्टिलाइजर्स. मतलब यहाँ के जो मेन ऑक्यूपेशन है वहीं कहीं ना कहीं ये सारे ग्रास लैंड के लिए मेन थ्रेट है. सो क्लास फाइव प्लीज़ रीड ट्रॉपिकल ग्रास लैंड अलॉन्ग विद दिस एक्सप्लेनेशन. थैंक यू.